हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती बहुत ही अच्छे होंगे। सोना चार ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत है। सो दोस्तों, अभी टाइम 12 बज गया है और हम लोग सुबह में तो खाना खा लिए थे और अभी दोपहर का खाना खा रहे हैं, तो 12 बज गया, भूख लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा खाना है बूंदी का सब्जी, आलू, और चारू भी खा, हाँ चारू भी खा रही है। हाँ खा बेटा, इसको अलग दे देते हैं। हाँ जिसको अलग दे देते हैं, ये अपने मन से खाती है, और ऐसे खिला देते हैं ना तो इसको हक नहीं लगता है, तो फिर ये फिर बाद में भात मांगने लगती है। तभी ये खा रही है तो हम भी खाते हैं। और खाना खा करके हमको जाना है सेंटर आज, तो सेंटर जाना है चेकअप के लिए, तो सेंटर जाएंगे। और पहले तो बारिश से तो परेशान है, ज्यादा आता नहीं है ना कम आता है, बस एकदम रिमझिम रिमझिम थोड़े थोड़े आ रहे ऐसे आ रहे, तो उसके लिए भी तैयार होना है। तो सबसे पहले सोच रहे हैं कि यहाँ पर हम खाना खा लेते हैं, खा करके फिर उसके बाद में तैयार होंगे ना। गुड्डू तुम खाओ, तो हम भी यहाँ पर खाना खाते हैं। खाना खा लिए, खाना खा करके तैयार हो गए हैं, तो तौली ओढ़ लिए हैं, स्वेटर को नहीं निकाल रहे हैं, ठंड तो ऐसे लग रही है, तो तौली केवल ओढ़ लिए हैं और साड़ी पहन लिए हैं। साड़ी पहन करके जाएंगे ना, नाइटी अच्छा नहीं लगता है, तो ये बाल कटा लिए हैं, तो पूरा एकदम आईना देख रहे हैं। और चारू को मिठाई खाना है, चलो दुकान। बहुत कुछ ला दिया सोना को, आके उधर से दिखाएगी। चप्पल पहन लेते हैं, और दिन भर दिन मौसम से तो हम लोग हालत एकदम परेशान हो गए। इसको रहने दो तुम बेटा, यही वाला तुम नहीं पहनो, रहने मेरा वाला चप्पल को, पुराना वाला चप्पल को पहन ली है। तो जा रहे हैं, दिन भर दिन बारिश, और बारिश से तो परेशान लग रहा है, एकदम आफत लग रहा है, दिन भर दिन इस तरह से मौसम किया हुआ रहता है। चलो जल्दी जल्दी हिंटो। तो यहाँ पर ले लिए हैं ये झोला, और ये कार्ड है, और छाता भी ले लिए हैं, रिमझिम रिमझिम बारिश होने लगती है तो इसीलिए ले लिए हैं। और ये कार्ड है हमारा, और ये झोला, अगर दलिया उलिया मिलेगा तो लेते आएंगे, छाता ले लिए हैं, बारिश होगा तो भींगेंगे नहीं सोच करके। चलो 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 चलो, हिट रही है तो चलते हैं, इसको मिठाई ले देना है दुकान में। चलो आजा का दुकान जाएंगे। तो चारू को ले दिए मिठाई दुकान से, बिस्कुट, चलो उल्टा पहन ली चप्पल। अब चलो, हाँ घरे चल जाना ने, हाँ हम आएंगे तुरंत ने, हाँ जा जा रही है घर, ये चल जाएगी, और हम चलते हैं अब सेंटर। तो आते आते काफ़ी दूर तक पहुंच चुके हैं, और हम लोग का जो डैम है ना, वो डैम आप सभी को बताते हैं, यहाँ पर महादेव का पूजा भी होता है, जो कि हर सावन में एकदम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और पूजा होता है। देख रहे हैं यहाँ पर शिवलिंग जी है, हर हर महादेव। तो इस तरह से ये पेड़ के पास में ही रहते हैं, और सारे झंडे वगैरह गाड़ा हुआ है, और यहाँ पर एक सोलर बल्ब भी लगाया हुआ है, ये देख रहे हैं। सामने हम नहीं जा रहे हैं, अभी चप्पल वगैरह पहने हैं तो नहीं जा रहे हैं। और ये शिवलिंग पूजा करने की खास वजह ये है, डैम, डैम में भी आदमी आराम से नहाता धोआता है, और उसके बाद में जल वगैरह चढ़ाने के लिए वहाँ पर, और छठ घाट भी यहाँ पर है, पूजा होता है छठ का भी। तो कोई कोई अगर करेंगे ना, तो यहाँ पर पूरी तरह से बना हुआ है, इस तरह से पक्का, एकदम निचले तरफ से पूरी चार पांच बने हुए हैं, लेकिन पानी भरने की वजह से पता नहीं चल रहा है। और देख रहे हैं सुंदर सुंदर, बहुत ही अच्छा अच्छा फूल। हम लोग सुबह में जब आए थे ना, तो चार पापा से बहुत ही अच्छा अच्छा फूला हुआ था, लेकिन अभी टाइम अब दोपहर का हो चुका है ना, तो इसलिए भी सारे फूल मुरझा रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये पूरी तरह से भरा हुआ है, और पहाड़ी देख रहे हैं, पहाड़ी एकदम पता भी नहीं चल रहा है कि किधर में है नहीं है, इतना कुहारे एकदम पूरी तरह से भरा पड़ा हुआ है। और हम लोग का सेंटर वो वाला है, अभी हमको वहाँ पर जाना है, तो अभी चलेंगे वहाँ पर, लेकिन ऐसे ये वाला रास्ता से।
और कम्बल वगैरह घाटने के लिए ये वाला ठीक है। यहाँ पर से कपड़े धोइए और उसके बाद में ला करके यहाँ पर घाट दीजिए। हम लोग घाटते भी हैं तो अभी फिलहाल तो पानी पूरी तरह से भरा हुआ है, तभी कम्बल वगैरह खिंचाएगा नहीं। जब जिस टाइम पानी पूरी तरह कम हो जाएगा फिर उसके बाद खींच करके यहाँ पर घाट सकते हैं ताकि अच्छा रहेगा। और शाम शाम के टाइम में ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई लेगता भी नहीं है। अगर कल भी ले जाएंगे, दो दिन बाद भी ले जाएंगे तो कोई नहीं लेगता है। तभी फिलहाल सारे बच्चे सब जा रहे हैं, अगर हलवा मिलेगा सोच करके तभी जाएंगे सभी कोई। और डैम तो हमको काफ़ी प्यारा एकदम नज़र आ रहा है उस साइड में, एकदम और भी बहुत ज़्यादा फूल वगैरह फूला हुआ है। तो चलिए चलते हैं, अभी ये वाला रास्ता से जाना है। तो दो तरह से रास्ता है, एक ए वाला आर है तो बच्चे सब इधर से जा रहे हैं, तो हम ये वाला से जाएंगे ताकि थोड़ा सा आराम लगे। और यही वाला डैम जो है ना, यही वाला डैम हम लोग का इस तरह से यहाँ से पानी बहता है, यहाँ से जो कि यहाँ पर देख रहे हैं पूरी तरह से घाई एकदम बना दिया है। इस तरह से एकदम आर पूरी तरह से तोड़ दिया है, जो कि काफ़ी एकदम मुश्किल है पार होना, और ख़ास हम लोगों के लिए छोटा बेबी को लेकर के जाने आने के लिए, और उसके बाद में हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ही अच्छा से एकदम वहाँ पर पानी जा रहा है, बहुत ही अच्छा सुविधा किया गया है। और ये रहा, यही वाला पानी हम लोग का जाता है जो कि इस तरफ से ऐसे हो करके बहता है। वो आम का पेड़ दिख रहा है ना, उधर एकदम चल जाता है। जो हम लोग नहा रहे थे, खींच रहे थे कपड़े वगैरह, और उसके बाद में बर्तन वगैरह धो रहे थे ना, यही वाला पानी जाता है उधर में। तो सभी कोई जा रहे हैं, देख रहे हैं उधर में आंगनबाड़ी। हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इसे पानी में जाने के लिए, देख रहे हैं बहुत मुश्किल, इतना पिछड़ है कि मत पूछिए एकदम। और दिन भर दिन बारिश तो एकदम झिमिर झिमिर आ रहा है, इसे आ रहा है और भी परेशानी। देख रहे हैं इतना पिछड़ है, आराम से धीरे धीरे जाएंगे, पूरी तरह से एकदम पिछड़ ही पिछड़ है, एकदम बहुत मुश्किल है। यहाँ बच्चे सब अभी इधर पार हुए हैं, चलते हैं धीरे धीरे और आप सभी को ले चलेंगे सेंटर। ये रास्ता भी पूरी तरह से एकदम पिछड़ ही पिछड़ है, फिर से बारिश होना शुरू हो गया है, एकदम झिमिर झिमिर आ रहा है। छाता लगा लेते हैं, तो इस तरह से छाता लगा लिए हैं और चलते हैं। साड़ी भी संवारना है और हिटना भी है, तो ऐसे रास्ते में धीरे धीरे हिटते हैं और चलते हैं और देखते हैं। अगर ब्लॉगिंग अगर बनाने की जैसा होगा तो बनाएंगे, नहीं तो फिर वहाँ पर सिर्फ छोटा बेबी रहते हैं तो बहुत मुश्किल ही होगा। तो दिखाते हैं, जितना बन पाएगा उतना दिखाएंगे। ये गाँव पार करके जाना है, तो हम आ चुके हैं सेंटर डायरेक्ट, और यहाँ पर अब हमारा चेकअप होगा। तो हमारा बीपी चेक होता है और बेबी चेक होता है, दोनों बेबी अच्छा है कि नहीं या हमारे खून अच्छे हैं या नहीं। पहले बीपी हमारी बहुत कम हो गई थी, तो दीदी ने बोली थी कि अच्छे अच्छे खाओ कुछ, ताकि तुम्हारा बीपी भी बहुत कम है। तो पिछली बार की तरह फिर से अभी चेक करेंगे यहाँ पर दीदी, तो वही निकाल रहे हैं चेकअप वगैरह। और हमको बोल रहे हैं कि मतलब सरकारी अस्पताल एक बार चंदवा तुम चले जाना और अच्छे से चेकअप करा लेना, वहाँ खून वगैरह जांच होता है। तो यहाँ पर उतना जांच नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर जितना होता है वो सब तो ज़्यादातर नहीं होता। तो वही बोले कि वहीं पर चले जाना, बीच में कभी भी तुम चली जाना बोल के। तो यहाँ पर हमारा बीपी चेक कर रहे हैं, तो इस तरह से मोबाइल हम किसी को शूट करने के लिए दिए थे। वैसे तो यहाँ पर सारे लोग हैं, बच्चे सब भी हैं, जिसका 5 साल पूर गया उसका सुई दिलाना है, और हलवे मिलता है ना दलिया, तो घर से माँ बाप नहीं जाने सकते तो बच्चे सबको भेज देते हैं कि जा बेटा तुम ले आना से भून के खाना। तो हमारा बीपी जांच हो चुका है, तो हमने पूछ लिए तो बताएं कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले कि बीपी में कोई दिक्कत रहेगा तो बताइएगा दीदी, ताकि हम अपना सेहत का ख्याल रखेंगे। तो बोले कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारा जो कार्ड होता है ना, कार्ड में वो सारे डेट वगैरह चढ़ा देते हैं, ताकि हर एक महीना का
डेट रहता ही रहता है। तो यहाँ पर चढ़ा करके और उसके बाद में मिलेगा दवाई, आयरन गोली जो कि खून बनाता है ना, वो वाला गोली मिलता है, तो ही खून बनने के लिए वो गोली भी मिलेगा। और यहाँ पर ढेर सारे लोग आए हुए हैं, तभी तो भीड़ तो रहेगा ही रहेगा पूरी तरह से। अभी टाइम अभी 12:30 बज चुका है, हम आधे घंटे में पहुँच चुके थे। हम ब्लॉगिंग घर से 12 बजे स्टार्ट किए थे और 12:30 में हम पहुँच गए। तो चेकअप होने के बाद में अब हमको मिल गया कार्ड और ये दवा। दवा मिलने के बाद में तो चेकअप वगैरह हम करा लिए और कोई दिक्कत नहीं है, तो अभी हम घर भी पहुंच गए। दिन भर दिन एकदम बारिश से तो परेशान लग रहा है, पूरी तरह से कपड़े भी हमारे पूरी भींग गई है एकदम नीचे नीचे, ये वाला जो है ना नीचे नीचे पूरी तरह से भींग गया है। और अभी भी पूरी तरह से लगाया हुआ ये जो दिख रहा है ना सफ़ेद वाला, ये पूरी तरह से पानी पानी है, कुहारे एकदम पूरी तरह सिटिर सिटिर मार रहा है, ऐसे मार रहा है, एकदम दिमाग खराब लग रहा है। तो फिलहाल हमको ये मिला है, ये 2 पॉकेट हलवा और यहाँ पर है ये दवाई, इतना सारा आयरन गोली वगैरह ये सब है और 2 पॉकेट मिला है हलवा। तो फिलहाल अभी पहुँच गए हैं और अभी कपड़े वगैरह चेंज करते हैं। तो घर आ करके और कपड़े वगैरह चेंज तो कर ही लिए और अभी टाइम बज गया है अभी 3:30 हो ही रहा है। तो थोड़ी देर आराम किए और अभी तो यहाँ पर देखिए चारू पापा गए थे आज चंदवा, तो चंदवा में क्या काम से गए थे वो आप सभी को अगले ब्लॉग में पता चलेगा। तो यहाँ पर सारे सामान ला दिए, तो दूध तो हमारा पहले से ही ठीका है, तो दूध हम 10-12 दिन से पी रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आज आ गया हॉर्लिक्स और ये रहा हमारा यहाँ पर अनार। अनार इधर हम लोग बहुत ज़्यादा दामों में बिकता है, तो इसीलिए यहाँ पर 1/2 kg लाए हैं। तो बोले कि धीरे धीरे ख़त्म कर लो, फिर उसके बाद में फिर जाएंगे तो फिर बीच में लेकर के आएंगे। तो 1/2 kg लाए, 80 रुपये kg बहुत ज़्यादा दाम है। और आधा किलो, हाँ आधा किलो, 1/2 kg तो बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सब्जी भी आ गया है, हमको खाने का मन बहुत ज़्यादा था। वैसे तो हमारे गले में सर्दी सिमर मन बहुत ज़्यादा एकदम खरखराहट सी लग रही है खांसी का जैसा, लेकिन फिर भी हमको ये खाने का बहुत ज़्यादा से मन था। तो यहाँ पर ये भी ला दिए, मूली और टमाटर और ये धनिया और ये रहा पालक जो कि काफ़ी प्यारा है एकदम, और इसका रेसिपी भी बनाएंगे बहुत ही अच्छा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा ठीक है। और यहाँ पर हरा मिर्चाई टमाटर ला दिए हैं, ये सब कैसे था हमको नहीं पता, लेकिन इधर 80 रुपये टमाटर, 80 रुपये से कभी कम नहीं होता, 60 रुपये तक जाता है, फिर उसके बाद में दाम बढ़ ही जाता है। जो जो खाने का था वो हमारे यहाँ पर ले आए हैं, और सेहत के लिए तो ये अनार हॉर्लिक्स और दूध तो हमारा पहले से ही आ रहा है। तो चलिए आज यही सब का बनेगा सब्जी, और ब्लॉग में आप लोग पूरी बने रहिएगा।